टाइम अर्जेंट की दरखास्त आज देते हैं कल लग जाती है, वो हम नहीं कर सकते। हम फिर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि किस केस में ज्यादा अर्जेंसी है। सबसे बाला जो केसेस हैं वो हैं लिबर्टी के, लोग जेल में पड़े हैं, बेल मैटर्स हैं, उनको हमने अर्जेंटली सुनना है। दूसरी बात ये है कि क्रिमिनल केस में जो अंडर इम्प्रिजनमेंट है, सालों गुजर गए, उनकी अपीलें अब आ रही हैं हमारे पास, उनको हमने सुनना है। हम देखते हैं कि कितना दौरानिया हो गया जब से ये जेल में है, हम उनको अहमियत देते हैं ताकि उनका जल्दी फैसला हो। अल्लाह ताला खैर करे, जो भी हो सही हो और मुमकिन है उनको आज़ादी मिल जाए। तीसरे केसेस है प्राइवेट लिटिगेशन जो सिविल साइड के, उसमें एक्सिक्यूशन के मामला होते हैं। अब जब हमारे पास एक्सिक्यूशन का मामला आता है तो उसका मतलब है कि जो सब्सटेंटिव डिस्प्यूट है यानी जो डिक्री है वो ऊपर तक फाइनलाइज हो चुकी है, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर रेवेन्यू की साइड से आ रही है तो वो फिर कतार और लंबी हो जाती है, और वो फाइनैलिटी जो है उसको हम मद्देनजर रखते हैं कि मियां इस वक्त हम एक हमारे पास केस आया जहां हाई कोर्ट ने रिवर्स किया है डिक्री को, क्या उसको सुने इस वक्त उस मामले को, या उस मामले को सुने जहां 6 अदालतों ने कहा है कि ये ठीक डिक्री है। अब उसका ये वहां हम अंदाजा लगाते हैं अहमियत के हवाले से, क्योंकि हमारी रिसोर्स जो है उतनी वास्ट नहीं है जितना आपकी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी तौर पे हम सिर्फ कानून के जो हैं पॉइंट्स उनको तय करते हैं, हम फैक्चुअल पॉइंट्स की फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में जाने नहीं चाहते। हम इंटरिम मैटर्स में बहुत कम जाते हैं, सिर्फ उस वक्त इंटरिम मैटर्स को टेक अप करते हैं, इंटरिम यानी इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स जो हैं, जब क्वेश्चंस ऑफ लॉ अराइज करते हों, कोई क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ग्रॉस इलीगैलिटी की बात हो कि ये तो सामने नजर आ रहा है कि जी इसने कितनी गलती कर दी, इसने तो कानून पलट दिया, इस फैसले ने कानून देखे बगैर पलट दिया, हाँ वहां हम इंटरफेयर करते हैं और उसको फौरन सुनते हैं। लेकिन जहां कंसिस्टेंट व्यू है वहां हम उतनी अहमियत नहीं देते। अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि आफ्टरऑल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब उसको इतना इख्तियार होना चाहिए कि कौन से सवालात हैं जो अहम हैं और कौन से सवालात हैं जो इतने अहम नहीं। उसके बावजूद अगर आपके अर्जेंसी फॉर्म में कोई अच्छी बात नज़र आएगी कि जी इसमें ज़रूरी सुनना चाहिए, किसी को घर से निकाला जा रहा है फौरन और इसके अंदर हाई कोर्ट ने बदल दिया है या इसके इन जो है इनकंसिस्टेंट नीचे ऑर्डर्स हैं सिविल कोर्ट का और ऊपर एपलेट कोर्ट का, रिविजनल कोर्ट का, म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट है, तो हम सुन लेंगे। बार सूरत इंशाल्लाह ये सूरत हाल बेहतर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमने अब वीडियो लिंक लगाई है फैसिलिटी। आप वीडियो लिंक की फैसिलिटी को प्लीज़ इस्तेमाल करें, बहुत कारामद है। कराची से, लाहौर से, पिशावर से बहुत वकला साहिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे एहसास है कितना महंगा है यहाँ से इस्लामाबाद जाना। मैं उस चीज़ का बहुत आई एम सॉरी, जहाज़ का टिकट तो अब अनअफोर्डेबल हो गया और गाड़ी पे जाएं तो हमारे जो भाई आते जाते हैं जज साहिबान कहते हैं जो जवान हैं वो 9 घंटे में पहुँचते हैं और जो ज़रा बुज़ुर्ग हैं वो 11 घंटे में पहुँचते हैं, लेकिन वो भी बहुत लंबा सफ़र है। सो इसलिए जनाब वीडियो को इस्तेमाल करें। हमारे पास जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है वो 2021 में हुई थी, तो वो तकरीबन 22,000 थी और उस साल हमारा डिस्पोजल कम था, कुछ कोविड के असरात थे। इस साल 2022-23 में हमारी इंस्टीट्यूशन 25,000-26,000 से बढ़ गई है। अच्छा, अब हमारा जो हाईएस्ट डिस्पोजल है उसका रिकॉर्ड 2018 में था और वो है 17,000 केसेस का। हमने इस साल 24,500 केसेस
का फैसला किया। हमने तकरीबन 45% ज़्यादा डिस्पोजल किया इस साल में, लेकिन उसका फ़ायदा क्या, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बढ़ गई है। ठीक है, तो हम अभी वहीं खड़े हैं। पिछले सालों में हमारा जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही थी हर साल, इस बात का मौला का करम है इस साल हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी नहीं है, वहीं कायम है। और उम्मीद करते हैं कि हम केस मैनेजमेंट के ये जो, जैसे मैंने बताया, अर्जेंट फॉर्म भी एक केस मैनेजमेंट का एक तरीका है, इस सिलसिले में उम्मीद करते हैं कि आइंदा ज़रा कमी होगी। ये एक और वजह है पेंडेंसी जो आपकी डिलेड एप्लीकेशन की हेयरिंग हो रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़ गया। बट हम हाजिर हैं जी, कानून का असूल का कोई बात लाएं सामने तो हम ज़रूर सुनेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करें। आप में से बेहतरीन वकील हैं, हम उनमें से चंद एक तो अब आपने जज बना दिए, और बहुत खुशी उस बात की, आप सबको मुबारक हो माशाल्लाह। और आप जैसे जो सामने हमारे बैठे हैं वो सीनियर लॉयर्स, वो अक्सर आते हैं और इट्स अ प्लेजर टू हेयर देम। सो दैट इज़ दी अदर थिंग दैट इंशाल्लाह एज योर फिनेस एंड योर स्किल इन द लॉ इज रिफ्लेक्टेड इन योर आर्ग्यूमेंट्स, द ग्रेटर विल बी द एफर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व द फैक्चुअल कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं उसमें हम दाखिल नहीं होना चाहते। मैंने ये दो तीन बातें आपसे कह दी, अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी और बुख्ती साहब ने भी जिक्र किया 8 अगस्त 2016 के शहदा का, वो एक बहुत बड़ा सानहा था और अल्लाह ताला उन सब की रूहों को मौला करीम दर्जात उनके बुलंद करे। ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी हमारी वकला कम्युनिटी ने, इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे ख्याल में किसी और एक वाकये में पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुई। हमें उन पे नाज है, आप उनके अब जानशीन हैं, आपने उन्हीं असूलों को, रूल ऑफ लॉ को आपने प्रमोट करना, उसको फरोग देना। रूल ऑफ लॉ जो है, यकीन कीजिए, अच्छे माशरों का और तरक्की पजीर माशरों की एक निशानी है, और ये हमारे इस्लामी माशरे की भी एक बहुत बड़ी निशानी है, रूल ऑफ लॉ। सो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें इस सिलसिले में, और वो लोग जो कि रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जा रहे हैं उनको आप मना करें, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, ये समझ लें कि रूल ऑफ लॉ जो है ये मारूफ अमल है, इसको आप परसू करें, प्रमोट करें। आप सबको मिलके देख के बहुत खुशी है, आप सब के लिए दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर से रखे, खुशियों से रखे, और इस इदारे में तरक्की का एक जरिया बनाए। मेरी ख्वाहिश ये है, दुआ ये है, मौला करीम हमारे इदारे को और मजबूत कर, ताकि हम कानून की, आईन की, इंसाफ की खिदमत कर सकें, यही हमारा मकसद है। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप में से जो इस्लामाबाद तशरीफ लाएं, माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन, आई सिट टिल 9 PM एवरी डे, तो अदालत से फारिग हो जाएं, खाने पीने से फारिग हो जाएं, फिर भी आ सकते हैं आप मुझे मिलने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू ऑल।